सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, हम जो लेके आ गए यहाँ पे गोडॉक्स के दो प्रोडक्ट, दोनों लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं और दोनों के अंदर जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है अगर आप वीडियो फोटोग्राफी करने वाले हो। और आज जो हमारे पास स्पेशल जो है, हमारे पास हमारा जो है ये ऑप्टिकल स्नूट है जो कि ये फ्लैश के लिए है, बट हम इसको यूज करने वाले वीडियो लाइट के ऊपर। तो क्योंकि दोनों के पैसों में थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि जैसा आप इसका नाम देखोगे ये आएगा BFP, एक आता है इसमें BLP, तो वो आपका एलईडी लाइट के लिए, ये फ्लैश लाइट के लिए। तो इसके अंदर आज हम इसका थोड़ा उल्टा वर्जन करने वाले हैं कि हम इसको वीडियो फ्लैश की जगह इसको वीडियो लाइट पे यूज करने वाले हैं। और जो मैं लाइट यूज करने जा रहा हूँ इसके साथ, वो है कि हमारी जो गोडॉक्स की सबसे लेटेस्ट लाइट, और इसके अंदर इसका मॉडल है SL300R। और आर क्यों लगा रखा है वो तो आप सब जानते ही होगी, आर का मतलब है इसके अंदर RGB लाइट्स। इसके अंदर वाइट वॉर्म तो है ही है, प्लस इसके अंदर RGB कलर भी है। तो दोनों लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं और इनके ऊपर हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको सारा का सारा इसका जलवा दिखाने जा रहा हूँ। तो एक बार आपको मैं दिखा दूँ किस तरीके से आता है, और गोडॉक्स का जो ये प्रोडक्ट है ये क्या खास है। इससे पहले मैंने ये जो है ना आपका एक बार, अभी इससे पीछे जो रिसेंट मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने डीटेक के ऑप्टिकल स्नूप पे बनाई थी, तो वो भी बहुत बढ़िया था। मगर ये जो अब है इसके अंदर क्या फर्क है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो है उससे थोड़ा महंगा आता है और बहुत बढ़िया, इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग भी करने जा रहा हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है इसके अंदर। ये देखो आप इस तरीके से ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, इसको आप देखो, इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है हमारे पास। और इसकी खासियत है इसके अंदर कार्ल जैसकिन लेंस लगे हुए हैं ऑप्टिकल स्नूट के अंदर, जो कि और दूसरे के अंदर आते हैं। इस तरीके से इसकी कैटलॉग आएगी और इसके अंदर क्या क्या सामान मिलने जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत बढ़िया एक्चुअली गोडॉक्स जो है ना वो क्या बहुत बढ़िया अपना प्रोडक्ट बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो प्रोडक्ट जितने भी आपको मार्केट के अंदर लॉन्च करता है सब प्रीमियम रेंज के होते हैं और बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और बहुत प्राइस जो है इनकी और जो इसके साथ के हैं उनसे कम होती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ऑप्टिकल स्नूट है और बोवेंस माउंट है। इसके अंदर आपको मैं लेंस भी दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके का हमारे को लेंस दे रहे हैं। पूरा जैसे हमारा कैमरे का लेंस आता है ना उसी तरीके का लेंस होता है, ये नहीं कि आपको उसके अंदर ही फिटेड मिल रहा है, आपको उसकी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही। बहुत बढ़िया 85 mm का लेंस हैगा और इस तरीके से ये इसके आगे लग जाएगा। मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ अभी सारा का सारा। इस तरीके से इसकी बैक साइड खुल जाएगी, ये फ्रंट खुल जाएगा, पूरा जूमिंग है और ये आगे इस तरीके से अटैच हो जाता है इसके अंदर। तो भाई गोडॉक्स तो हमारा देखो फेवरेट है ही, क्योंकि है एक तो गोडॉक्स का क्या है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑथराइज हैं, तो मैं हमेशा अपने गोडॉक्स के प्रोडक्ट को हमेशा प्रीमियम रेंज के ऊपर और हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ। उसके बाद क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया आती है। और एक क्या है कि एक आप अगर बढ़िया काम करना चाहते हो स्टूडियोज के अंदर, एक आपको लगता है कि हाँ भाई हमें प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, तो आपको इन्हीं के ऊपर मिलने जा रही है वो। और इसके अंदर साथ में क्या मिलता है आपको वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके के इसके जो है रिंग्स हैंगे, ये इसके गोबोज हैं जो कि अलग अलग शेड है हमारे, और ये इसके गोबोज को लगाने के लिए इसका जो है फ्लैप है जो इसके अंदर चले जाएगा, और इससे इसके साथ ये लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बार ही हमने इसको तो अनबॉक्स कर ही लिया है, साथ के अंदर हम अपनी लाइट को भी अनबॉक्स करेंगे, तो बहुत क्रिएटिव वीडियो होने जा रही है। तो लाइट मैंने अपने स्टैंड पे लगा ली है, डीजी फोटो का मेरा स्टैंड है, और ये दोनों प्रोडक्ट गोडॉक्स के हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। और पूरी बैकग्राउंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है हमारा ये सेटअप होएगा। और क्या आप देख रहे हो, क्या शानदार एकदम तैयार हो चुकी है हमारी गन, क्योंकि ये बिल्कुल अब गोबोस लग के इसके साथ के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो आइए लाइट भी चल, मेरी लाइट, मेरा गैजेट, मेरा घेयर तैयार हो चुका है। बहुत शानदार घेयर है, गोडॉक्स की SL300R लाइट है, और इसके ऊपर जो मैंने अपना जो है ऑप्टिकल स्नूट लगाया है वो है हमारा गोडॉक्स का, और BFP है ये, BPL नहीं है। तो बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है। वैसे ये फ्लैश लाइट के लिए होता है और हमने इसको यूज करा है अपना LED लाइट के ऊपर, तो देखिए आइए इसका रिजल्ट कैसा आता है। अभी उसके लिए हमारे को अपना थोड़ा स्टूडियो के अंदर लाइटें बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है इसका रिजल्ट नजर आएगा। और इसके अंदर जो है हम ये भी बताएंगे आपको किस तरीके से इसके अंदर आप कौन कौन से अपने जो है आप गोबोज लगा सकते हो और कैसे काम कर सकते हो। तो आइए वीडियो चालू करते हैं, और यहाँ से इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगी। और इसकी खासियत ये कि इसके अंदर RGB कलर भी है, अभी ये वाइट एंड वॉर्म चल रही है, और यहाँ से इसके अंदर ये गोबोज को हम पूरा का पूरा खोल देंगे जिससे कि प्रॉपर सर्कल बन जाए। अभी आपको सर्कल का मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत रोशनी कर रखी है। तो अभी हम इसकी लाइटें जैसे जैसे बंद करेंगे आपको गोबोज के अंदर यहाँ पे जो सर्कल की रेशियो है वो बहुत ज्यादा तेज नजर आने वाली है, और फिर पूरा का पूरा आपको मजा आएगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इसके अंदर काम करना है।
अब आप देख सकते हो कि प्रॉपर सर्कल है, कहीं कोई डाउट्स, कहीं इसके अंदर कहीं पे भी कोई वो नहीं है किसी भी तरीके के, बहुत बढ़िया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर सर्कल है। अगर आपने सर्कल को बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो इसको, दूर करके पास करके सब बढ़ा सकते हो। तो ये सब हमारे एंड पे है कि हम इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं। और अगर मैंने अब क्या है कि इसके अंदर आरजीबी लाइट यूज कर रखी है, तो आरजीबी लाइट के अंदर अगर हमें इसको कलर टेम्परेचर चेंज करना है तो हम मैं वो भी कर सकता हूँ। ये देखो प्रॉपर व्हाइट हो रहा है, ये प्रॉपर वार्म हो गया। अगर मेरे को आरजीबी भी जाना है तो मैं यहाँ से मोड पे जाके आरजीबी पे जाऊंगा तो आरजीबी कलर्स भी आ जाएंगे हमारे पास सारे के सारे। आप ये देखो रेड, और इसके बाद अलग अलग कलर सारे बनने वाले हैं इसके अंदर, बहुत अलग अलग, पूरा का पूरा ये चल रहा है जैसा आप देख रहे होगे, जिससे आप फिल्टर्स बना सकते हो। और अभी मैं लाइट बंद करने जा रहा हूँ तो इससे इसकी शार्पनेस और बढ़ जाएगी, और अब आप फिर देखना इसके अंदर कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। अब आप ये देखो, ये ऐसा लगेगा कि आपको पूरा का पूरा विंडो आ गई है, और बहुत बढ़िया इफेक्ट है, नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि विंडोज है और विंडोज के हम जो है पास खड़े हैं और हमारा ये शूट हो रहा है। अगर आप बहुत अलग अलग तरीके के इसमें शूट कर सकते हो, आप जैसा मेरा बैक साइड में देख पा रहे होगी, एकदम शेडोज क्रिएट हो रही हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे गोबोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम इसके अंदर अपनी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये कुछ भी सामान चाहिए तो आप मेरे शोरूम डीजी फोटो इंडिया पे आ सकते हो, देख सकते हो और इन चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो कीप वॉचिंग आर चैनल एंड एंड मस्ट सी कि आपको जो नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे। हमारे आप यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उसको खूब सारा प्यार दें। तो इस तरीके से नजर आने वाला है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आ रहा है मेरे पीछे। ये हमारी गोडॉक्स की स्पॉट लाइट है जैसा आप देख रहे हो मेरे फेस पे आ रही है, और अभी मैंने इसमें कोई भी गोबोज नहीं लगाया है, नॉर्मल इसके अंदर हमने अभी ये मून इफेक्ट दिया है। और ये आप अलग अलग कलर से कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। तो अब आइए हम इसके अंदर गोबोज भी लगाते हैं और चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे आने वाली है। लेट्स मूव।